कोल इंडिया के 352 खदानों में कार्यरत कामगार असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। उनके लिए खदानों में ना तो प्रॉपर रूप से बेंच की व्यवस्था की गई है, हाई वॉल में उन्हें काम करना पड़ता है, होल रोड सिंगल दिया गया है अधिकतर खदानों में, जिससे एक ही खदानों से एक ही डंफर या हाईवा रोड पर गुजर सकता है। अगर दूसरी डंफर अपोजिट से आई तो निश्चित तौर पे उसे या तो पलटना होगा या फिर और बैक में ही रोक देना होगा। प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर कामगार पानी पिए। और तो और उनके लिए जूता टोपी भी संभवतः व्यवस्था नहीं होती प्रबंधन की ओर से। यही वजह है कि कई खदानों में लोग बगैर टोपी के बगैर जूते के लोग काम करते हैं। कामगारों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ के अधिकारी भी बगैर जूता बगैर टोपी के वहां काम करने के लिए चले जाते हैं। कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि कोयला खदानों में जो भी काम कर रहे हैं वो सभी असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि कोयला खदानों में जो भी कामगार काम कर रहे हैं वो सारे के सारे असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। इसका या इस असुरक्षित माहौल में जो काम कर रहे हैं इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हालांकि कहने को तो ट्रेड यूनियन के नेता यह कहते हैं कि हम लोग मिलकर मजदूरों के हित की बात करते हैं, मजदूरों की सुरक्षा की बात करते हैं, मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं, लेकिन जब खदानों में कोयले का उत्पादन करने वाले कामगार जो दुनिया को कोयला उत्पादक करके सप्लाई करते हैं, जो विद्युत संयंत्रों को देते हैं तो उसे उत्पादन होता है बिजली का, ले उन कामगारों को असुरक्षित माहौल में काम करना पड़ता है, यह देखने वाला ट्रेड यूनियन भी नहीं है मान के चला जाए। क्योंकि ट्रेड यूनियन के लोग यह कहते हैं कि हम लोग हर एक बार मीटिंग में हर एक बार बैठक में मामले को उठाते हैं, लेकिन स्थिति हम बता दें कि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया की तरफ से कोल इंडिया स्तर, कंपनी स्तर, एरिया स्तर, प्रोजेक्ट स्तर पर सेफ्टी वीक, खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तब आप देखेंगे कि खदानों की स्थिति एकदम चकाचक मिलेगी। सभी चीज सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा कि सुरक्षा के माहौल में लोग काम कर रहे हैं कामगार, लेकिन वैसी स्थिति एक सप्ताह के बाद नहीं होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार गत दिनों जागरूकता सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जागरूकता सप्ताह मनाया गया, उसमें सभी अधिकारी कामगार जगह जगह पे परियोजना स्तर पर, यूनिट स्तर पर, कंपनी स्तर पर लोगों ने शपथ लिया कि हम लोग किसी भी तरह से हम लोग काम जो भी करेंगे एकदम बेहतर करेंगे और कहीं से किसी से हम लोग कोई पैसे का उगाही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही अधिकारी कोल सेल से, लोकल सेल में कोयला का जो लोकल सेल होता है उससे पैसे की उगाही करते हैं, ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, ये अनवरत चलता रहता है। उसी प्रकार से खान सुरक्षा अधिनियमों का पालन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसके लिए केवल अधिकारी ही दोषी नहीं है, इसके लिए संबंधित ट्रेड यूनियन जो कहता है कि हम मजदूरों के हित में काम करते, उन लोगों को भी दोषी कहा जा सकता है। कंपनी स्तर पर, एरिया स्तर पर, यूनिट स्तर पर सेफ्टी बोर्ड का गठन किया गया है। उस बोर्ड में, उस कमिटी में सभी ट्रेड यूनियन के लोग रहते हैं, क्यों नहीं इस मामले को उठाते हैं? हालांकि पिछले दिनों आम्रपाली परियोजना में जब स्वदेशवाणी की टीम पहुंची थी तो संजोग से वहां सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्य सह जेबी सीसीआई के सदस्य राजेश कुमार सिंह जी भी पहुंचे हुए थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी सुरक्षा
मामले में कमी होती है वो हम लोग मीटिंग में उठाते हैं, लेकिन मीटिंग में उठाते हैं तो उसका फायदा दिखना चाहिए, नहीं दिखता है। वहीं एचएमएस के वरीय नेता नाथूलाल पांडे का कहना है कि हम लोग केवल मीटिंग बात उठाते तो जरूर है, लेकिन मामला जस के तस रह जाती है, कहीं कोई वैसा दिखता नहीं है कि खान सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है। यही स्थिति सभी कंपनियों में है। श्री प्रसाद यादव ने भी यही बात कही है, उनने तो यहां तक कहा है कि अधिकारी भी जूता टोपी नहीं पहनते हैं, और यह केवल एक जगह नहीं, पूरे CCL, BCCL, NCL, MECL, NECL, जहां भी खदानों का संचालन होता है वहां की स्थिति यही है। और सवाल है कि मजदूर क्या भगवान भरोसे काम करेंगे, क्या इसे कोई देखने वाला नहीं है? तो आइए आज हम बात करेंगे श्री प्रकाश यादव जी से और नाथूलाल पांडे जी से, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में हम आपको बताते हैं। फिर कल हम बात करेंगे आपको कि CCL के धोरी करगल्ली कथारा के खदानों की क्या स्थिति है, और इसी प्रकार सभी खदानों का हम लोग जायजा लेंगे और बताएंगे लोगों को कि क्या स्थिति है। कोल इंडिया में जितना भी खदान है, चाहे वो आपका अंडरग्राउंड हो या फिर ओपन कास्ट हो, DGMS का जो अप्रूव्ड रूल है या उन नियमों का पालन होता है खदान माने कोयला उत्पादन करने के क्रम में, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, बात बिल्कुल आपने सच सच कही है जी, अक्षरशा DGMS के नियमों का पालन नहीं होता जी, और इसके लिए और कोई नहीं, DGMS ही सबसे अधिक दोषी है, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पावर है जी, माइन को क्लोज कर सकते हैं, सेक्शन 12 है, दुनिया भर के उनके पास अधिकार है जी, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते, वो सब चलता रहता है। तो इसके लिए सभी एरिया में GM स्तर तक का जो भी मतलब GM एरिया है आपका, हर कंपनी में एक सेफ्टी बोर्ड बनी हुई है, और सेफ्टी बोर्ड कमिटी जो है उसमें सभी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां तक हमको जानकारी है, तो वो है आपका कंपनी स्तर पर सेफ्टी बोर्ड है, उसमें भी कई लोग हैं जो JBCCI के मेंबर्स भी हैं, उसका फिर CIL स्तर पर सेफ्टी बोर्ड होगा, तो ऐसी स्थिति में यूनियन वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं यूनियन वाले इस मामले को उठाते हैं, क्या वो यूनियन वाले भी चाहते हैं कि कामगारों की स्थिति बदतर हो, दुर्घटनाएं घटे, अगर प्रावधान के मुताबिक काम नहीं होगा तो आप ही लोग लिखते हैं कि सावधानी हटे दुर्घटना घटी। ऐसा है कि एक लंबे समय से जी ये मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं जी, और सबके बाद भी सुधार नहीं हो पाता है जी, तो इसके बारे में हम क्या कहें? तो इसके बारे में मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड यूनियन कमजोर हो रहा है तो इसका फायदा प्रबंधन उठा रहा हो? ऐसा नहीं है, ट्रेड यूनियन जब मजबूत था तब भी ये था, और ट्रेड यूनियन आज भी कोल इंडस्ट्री में तो कम से कम इतना कमजोर नहीं है और जगहों की तुलना में। तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्यों नहीं नियमों का पालन कराया जाता है, आखिर ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं मीटिंग में, क्यों नहीं प्रबंधन पर दबाव बना पाते हैं कि भाई सेफ्टी बोर्ड का जो एसएससी कमिटी है या DGMS का जो नियम है, आपका टोपी नहीं है, ओपन कास्ट में होल रोड होना चाहिए डबल, एक जाए एक आए, वो नहीं है, एक ही रोड पे जो भी आपका हॉल पैक है जाना उसी पे आना, कहीं पलटी खा गया, बेंच प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इन सारी चीजें तो हैं जहां तक हम लोग देखते हैं घूम घूम करके माइंस में, कई माइंस हमने देखा है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये शुरू के दिनों से चला रहा है जी, और हम सब देख रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते
एफटी का तो जो देखा जाएगा तो उसमें भी तो अगर आप देखेंगे किसी भी खदान में चले गए 100% में से मुझे अगर मैं देखे उसमें मार्क्स देना रहे तो मैं उनको सिर्फ 20% दूंगा 20 हाई वाल पे उनका पोजीशन है स्लाइड कर रहा है कहीं पे भी उनका व्यवस्था कुछ भी नहीं सेफ्टी के लिए खुद जब ऑफिसर लोग ना तो शूज पहनता है ना टोपी पहनता है ना उनके पास में डस्ट के लिए कुछ व्यवस्था है कुछ भी तो नहीं है मुझे जब ड्राइवर जो ऑपरेटर चल रहा है अनस्किल्ड करके उनको 35 टन का डंपर चलवा रहे हैं और अनस्किल्ड बताते हैं तो अभी क्या है बहुत बुरा स्थिति है ये पूरे कोल इंडिया की पोजीशन एक जैसी है बीसीसीएल नहीं पूरे कोल इंडिया की अब यहाँ ठीक है यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि भाई यहाँ जरा प्रॉब्लम है ये बोलकर वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं